आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अमूल कूल अलग अलग पांच फ्लेवर में घर पर कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो अमूल कूल मिल्क बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक टॉप लिया है, इसमें एक कप पानी डाल देंगे, एक लीटर बिना क्रीम का दूध डालेंगे। यहाँ पे हमें क्रीम वाला दूध नहीं लेना है, स्किम्ड मिल्क दूध आता है वो हमें लेना है। दूध वाली थैली में आधा कप पानी डाल के ले लिया है, ये भी डाल देंगे। इसमें से आधा कप दूध निकाल लेंगे, इसे हम बाजू पे रखेंगे, गैस चालू कर देंगे। इसमें आधा कप चीनी डालेंगे, आधा कप दूध हमने निकाल के रखा है, इसमें एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चौथाई कप मिल्क पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और तेज आंच पे लगातार चला के एक उबाल आ जाए तब तक इसे उबालेंगे। दूध में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। दूध में हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, इसे अच्छे से चला लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। दूध में डाल के मिक्स कर लेंगे, कॉर्नफ्लोर का घोल डाल के अच्छे से दूध को चलाना है, नहीं तो अंदर गुठलियां पड़ सकती है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे दूध को लगातार चला के 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। दूध में हमने पानी डाल के इसे उबाला, आपको लगेगा कि दूध एकदम पतला हो जाएगा, पर अमूल कूल बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, वो थोड़ा सा पतला ही होता है। और मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 मिनट के लिए दूध को उबाल लिया है, गैस ऑफ कर देंगे। दूध को टोटल हमें 8 से 10 मिनट के लिए उबालना है। पहले हम केसर कूल मिल्क बनाएंगे। एक बाउल में एक पिंच जितना केसर लिया है, इसमें हम एक टेबलस्पून जितना दूध डाल के मिक्स करेंगे। इसे एक साइड में रख देंगे, जब केसर वाला दूध बनाएंगे उसमें ये डालेंगे। बाउल में एक टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालेंगे, इसमें भी 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल के मिक्स करेंगे। इसे हम कॉफी फ्लेवर का बनाएंगे उसमें डालेंगे, इसे भी साइड में रख देंगे। दूध को रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा करेंगे, पर बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ऊपर मलाई की परत जम जाएगी। दूध एकदम ठंडा हो गया है, पहले हम केसर कूल मिल्क बनाएंगे। दूध में केसर डाल के मिक्स किया था, ये जार में डाल देंगे। बेस हमने बनाया है, ये 1 कप डालेंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैंने फ्रोथर लिया है, आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह का विस्कर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, और ये नहीं है तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे, केसर का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, इसके लिए मैं कलर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके दूध में केसर का कलर नहीं आए तो आप एक ड्रॉप लिक्विड येलो कलर डाल सकते हैं। इसे छान लेंगे, इसे बॉटल में भर देंगे। केसर कूल मिल्क बनके रेडी हो गया है। अभी हम इलायची फ्लेवर का कूल मिल्क बनाएंगे। बेस हमने बनाया है, ये 1 कप जार पे डालेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, लगभग 4 से 5 इलायची का पाउडर बना के इसमें डाल देना है। अगर आपके पास इलायची का एसेंस है तो 3 से 4 ड्रॉप वो भी आप डाल सकते हैं। ग्रीन लिक्विड कलर लिया है, 1 से 2 ड्रॉप ये डालेंगे, मिक्स कर देंगे। थोड़ा लाइट लग रहा है तो 1 ड्रॉप और डालेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे भी छान लेंगे, इसे भी बॉटल में भर लेंगे। इलायची फ्लेवर का कूल मिल्क रेडी है। रोज फ्लेवर का कूल मिल्क बनाएंगे। 1 कप मिल्क बेस लिया है, इसे जार में डाल देंगे। इसमें हम रोज रेड कलर, रोज एसेंस डालेंगे। आपके पास रोज इमल्जन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप रेड कलर का डालेंगे, 4 ड्रॉप रोज एसेंस का डालेंगे, लगभग 1/8 टीस्पून जितना रोज एसेंस डालना है। इसे भी मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे भी छान लेंगे।
इसे भी बॉटल में भर देंगे। रोज फ्लेवर का मिल्क भी रेडी है। अभी हम कॉफी फ्लेवर का कूल मिल्क बनाएंगे। दूध में हमने कॉफी पाउडर डाल के मिक्स किया था, इसे जार में डाल देंगे। इसमें एक टेबलस्पून ये मिल्क का बेस डाल के मिक्स करके जार में ले लेंगे। वन एट टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। 1/4 टीस्पून से आधा एक कप बेस डालेंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया है, इसे भी छान लेंगे। इसे भी बॉटल में भर देंगे। कॉफी फ्लेवर का मिल्क भी रेडी है। चॉकलेट फ्लेवर का कूल मिल्क बनाएंगे। एक कप मिल्क बेस जार में डाल देंगे। एक टीस्पून डार्क कोको पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो एक टेबलस्पून आप वो भी डाल सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस का डालेंगे। चॉकलेट एसेंस का 3 से 4 ड्रॉप डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे भी छान लेंगे। बॉटल में भर देंगे। चॉकलेट फ्लेवर का मिल्क रेडी है। अलग अलग 5 फ्लेवर में अमूल कूल मिल्क बनके रेडी हो गया है। इसे आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि अमूल कूल घर पर बनाना कितना आसान है। तो इस आसान सी रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।